पावन अपनी हाथ उठे कृष्णाय वास्तवाय हरिये परमात्मने प्रे न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन साधना के दिनों में जो हमारे लिए साधिक और बाधिक हैं उन्हीं विषयों पर गहराई में उतरने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रही है। भगवान हमारी और भी सहायता करें। कल का प्रसंग जो घटनाओं द्वारा लिया गया वैराग मानो साकार रूप धारण करके खड़ा हो जाता है और हमें जोर की चोट मार देता है। संसार की असलियत हमारे सामने आ जाती है और वो अपने जीवन द्वारा हमें बार बार बता जाते हैं हमारे से भूले हुई पर इस मार्ग पे चलने वाले भूल न करें। एक बार आदमी गिर जाए सज्जनों और मेरी कल्याणकारी देवियों फिर उसका संभलना असंभव तो नहीं कोई कह सकेगा पर बहुत कठिन हो जाता है। हर महापुरुष ने इस मार्ग में सावधान होने के लिए चेतावनी दे दी बल्कि यहां तक कहा उन्होंने मेरे देवियों सज्जनों साधक वही जो सावधान है सतर्क है सजग है बहुत सतर्क होके इस मार्ग पे पग रखता है। क्यों? भगवान ने तीन गुण जो फैला रखे हैं चारों ओर रजोगुण तमोगुण में से जो निकली हुई है ये काम ये क्रोध ये मोह ये लोभ ये अहंकार और गंदी गंदी खोटी अत्यंत दुखदायी वृत्तियां और सत्वगुण से निकली है श्रद्धा प्रेम लगनता वैराग उत्साह। वाह बराबर की चोट है पर कल युग में बोलबाला नकारात्मक वृत्तियों का होता है शुभ वृत्तियों का नहीं। शुभ वृत्तियों के पुजारी आप जैसे अपनाने वाले दिन प्रतिदिन और भी कम हो जाते हैं तभी तो घोर कलयुग होगा जब भगवान और भगवान के गुणों की उपेक्षा की जाएगी और इन्हीं गंदे अवगुणों की ही अपेक्षा की जाती है तो कलयुग अपनी चोटी को बढ़ने लगता है। इसलिए भगवान आपको सावधान कर दी मन में एक भावना पैदा कर दी कि हम अपना कल्याण कर ले तो बड़ी सावधानी के साथ आपको जुटना होगा लगना होगा। आज का जो हमारा विषय है प्रायः हर एक अनुभवी महापुरुषों ने और विशेषकर महर्षियों ने भारतीय महर्षियों ने बड़ा जोर दिया इस पर जितना उनसे बन पड़ा लेखनी द्वारा वाणी द्वारा वार्तालाप द्वारा बड़ा जोर दिया। ये इस मार्ग में उन दिनों तो ये बाधा नहीं था पर आजकल तो बहुत बाधा है जबरदस्त बाधा संग दोष बहुत बुरी बाधा जबकि चारों ओर वृत्तियां जोर पकड़ती जा रही हैं। संघ दोष कहती है बैड एसोसिएशन बुरा मेल मिलाप बुरी संगत। इसी पर आज प्रकाश डालता हूं शास्त्रों के पन्नों के पन्ने भरे पड़े गए इसी बात को विस्तार पूर्वक समझाने के लिए इतना समय तो है नहीं पर इतने समय में जितना के आपने मुझे प्रदान किया है
इंसाफ करने की अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा, आप एकाग्र रहिएगा। इस मार्ग की जबरदस्त बाधा संग दोष, एकाग्र रहना मेरे देवी मेरे सजनों, अपने आप को मन समेत यही रखना। भगवान ने इंसान को विशेष बुद्धि देकर और सोचने विचारने और योजनाएं बनाने वाला मन देकर सामाजिक प्राणी बना दिया है, अर्थात समाज के बिना, दो चार के बिना यह रह ही नहीं सकता। सिर्फ बुद्धि और मन के कारण से, हां जो भगवान जी गीता के माध्यम से बुद्धि योग दे रहे हैं, वो अगर हमारी बुद्धि में प्रवेश कर जाती है और संसारिक बुद्धि भगा दी जाती है, तब तो कहना ही क्या, तब तो ज्यादा समय आपका एकांत में, मनन में, चिंतन में व्यतीत हो जा रहा है और होगा। लेकिन एक साधारण एवं सामान्य जीव की बात की जा देवी हो तो समाज के बिना रह नहीं सकता। इसके अंदर वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, राग है, द्वेष है, मन में कई प्रकार के वलवले हैं, उद्वेग है। इसे समाज चाहिए, इसे मां चाहिए, बाप चाहिए, बहन चाहिए, भाई चाहिए, पत्नी लाजमी तौर पर चाहिए, पति अनिवार्य रूप से चाहिए, बच्चे चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, जिनमें संसारिक उद्वेग उठते हैं। यह बड़ा भारी संदोष है। आप हैं कल्याण कामी, कल्याण की शुभ इच्छा मेरे प्रभु ने, मेरे इष्ट देव ने आपके हृदय में खड़ी कर दी कि खा लिया, पी लिया, बच्चे बना लिए और मर गए। आपके अपने अंदर ही रोशन जमीर कहती है ये कोई जीवन नहीं, ये कोई जिंदगी नहीं। ठीक है, अनुभवियों ने भी यही कहा है, बल्कि लानत मारी है, नहीं वो जिंदगी जो मौत के कदमों में गिर जाए, नहीं वो जिंदगी जिसको जहां नफरत से ठुकराए, वही है जिंदगी जो नाम पाती है भलाई में, खुदी को छोड़कर जो पहुंच जाती है खुदाई। अहमपना को छोड़ दिया, भगवान के योग्य बन गई और तलीन हो गए, नो डाउट। जीवन तो सचमुच उसी का नाम है। जैसे आप बाजार में जाती बार या यहां आती बार अपने कपड़े अच्छे पहन के आए, मुंह हाथ धो के आए होंगे, जरा कंघी कुंगी करके आए होंगे, वो कपड़े घर वाले पसीने वाले आपने उतार दिए होंगे। इसी प्रकार जब जीव ने अपना कल्याण करना होता है, अंतःकरण की सफाई कर लेता है, अंतःकरण के ऊपर जो बैड क्वालिटीज के संस्कार आए हुए होते हैं, अगर ये संस्कार का नियम मेरे प्रभु ने ना बनाया होता तो आपका मन कभी शोरगुल ना मचाता। ये जो बैड इंप्रेशन या इंप्रेशन का नियम बन गया, कोई आपने देख ली कोई बुरी बात नहीं, कोई चीज खा ली कोई बुरी बात नहीं, ध्यान देना, किसी से कोई वार्तालाप अपने गुणों के अनुसार कर ली, क्या पाप किया आपने, ये कर लेते आप, लेकिन इसका प्रभाव अंतःकरण पर रह जाता है। जैसे आप कच्चे रास्ते से आए हो तो आपके पैरों के चिन्ह धरती ने ले लिए हैं, इस तरह जिनको हम गौर से देखती हैं, प्रेम से वार्तालाप करती हैं, बड़ा चस्का ले लेके हम खाती हैं, उनके संस्कार हमारा मन पकड़ लेता, उसे संस्कार कहते हैं, इंप्रेशंस, वेदर दोज गुड आर बैड। यही इंप्रेशन समय पाकर के विचार बन जाते हैं, इन्हीं विचारों से फिर कर्म होते हैं और इंसान रहट के चक्कर की तरह अपनी दशा अच्छी नहीं पाता। अब महापुरुषों ने जिनके नक्शे कदम पर हम बढ़ते जा रहे हैं, हमें चेतावनी दी कि अंदर और बाहर के संग दोष से बचने की चेष्टा करें। जितनी हम इनसे चेष्टा करेंगे उतनी हमारी बुद्धि और भी निर्मल, मन और भी विमल,
और अंगों द्वारा बड़े अच्छे कर्म हो गए, हम अपने कल्याण के योग्य हो जाएंगे। है तो आजकल के समय में आपके लिए लोहे के चने चबाने समान, पर जिस मेरे प्रभु ने मुझे ये प्रेरणा दी है प्रसंग चलाने की, वो आपको शक्ति भी देंगे कि आप संग दोष से बच सके। पहला संग दोष होता है बुद्धि के निर्णय का, फिर एकाग्रता के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। इंसान सबसे पहले बुद्धि के इरादे से गिरता है। बुद्धि के इरादे से, बुद्धि के पैर है क्या? पैर तो नहीं है, पर पैर वालों को तबाह कर देती है बुद्धि। कैसे? जब हम निर्णय लेती है काम के साथ, यानी लस्ट और पैशन के साथ, किसी को देखा, चेहरा देखा, कपड़े देखे, पढ़ाई देखी, घर बार देखा, दिल कराया यही मेरी शादी हो जाए, यही मेरे जीवन साथी बन जाए, अब काम के साथ निर्णय कर रहे गए, क्रोध के साथ निर्णय कर रहे गए, मोह के साथ निर्णय हो रहा है, लोभ के साथ, अहंकार के साथ, राग और द्वेष के साथ निर्णय होता गए, ये संग दोष की शुरुआत हो गई। करोड़ों व्यक्तियों को पता ही नहीं कि मैं अपने आप के साथ वैर कमा रहा हूं, क्योंकि मेरी कल्याण कामनी देवी और सज्जनों, आजकल तो निर्णय होते ही राग द्वेष के अंदर है, अर्थात डिसीजन अंडर अट्रैक्शन और रिपल्शन। आजकल बहुत पढ़े लिखे, अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो राग भरा, डिसीजन ले रहे हैं तो द्वेष भरा। वाह, कितने खुश नसीब हैं वो जो राग और द्वेष से रहत होकर निर्णय लेते हैं। उनके निर्णय की सराहना तो हमारे महर्षि बहुत अच्छी तरह कर गए। भगवान भी उनके लिए कहते हैं, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे कौन, जिनका निर्णय ना राग भरा है ना द्वेष भरा है, जिनके निर्णय प्रेम भरा है, भक्ति भरा है, उपासना भरा है, कल्याण भरा है। ओहो, आजकल के जमाने में इस निर्णय का कहत आ चुका, अकाल पड़ गया ऐसे निर्णय का। बाकी निर्णय तो आप देख ही रह गए, वो संग दोष हो गया। संग दोष का मतलब ये होता है जो विक्षेपता में डाल दे, संग दोष का मतलब है जो बनी बनाई शांति को बिखेर के रख दे, संग दोष का मतलब है जो सपनों में भी चैन न लेने दे, संग दोष का मतलब है जो हमारे अंदर हलचल मचा डाले, संग दोष का मतलब है जो हमारे मन को बार मुख्ता में ले आए, संग दोष का मतलब है हम गंभीरता पूर्वक चिंतन भी ना कर सके। कैसी विचित्र सृष्टि बनाई है भगवान ने, आंतरिक और बाह्य। अगर कोई मेरे से भी ज्यादा एकांत में बैठ के विचार करे, बड़ी निराली सृष्टि प्रभु ने बनाई है, और आप जैसों को दुगना मुकाबला करना पड़ता है। संसारी आदमी को केवल बाहर का मुकाबला करना पड़ता है, आपको अपने अंदर का भी और बाहर का। कल्याण का मतलब क्या है? जो कुछ अज्ञानता से हमने अंतःकरण में भरा है उसे निकाल देना। जब कल्याण की शुभ इच्छा उठती है मेरी माता और बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, तो हमें पता लगता है कि अज्ञानता में मैंने भूसा ही भर लिया अपनी बुद्धि में, और ये गंदी वृत्तियां ही भर लिया अपने अंतःकरण में, पहले इनको निकालूं। काफी मेहनत आपको अंदर आंतर रूप में मारनी पड़ती है, और बाहरी रूप से बचने के लिए, बाहरी रूप में तो आपके जो मित्र हैं, आपके जो संबंधी मां और बाप की तरफ से गए, क्षमा करना, सभी वैर कमाते हैं, क्योंकि कोई शुभ चर्चा नहीं चलाता, कोई कल्याणकारी चर्चा नहीं चलाता, कोई भगवान को लेकर के आपके साथ बातचीत नहीं करता, व्यर्थ की बातें जिससे आपका अंतःकरण रूढ़ी बनता चला जा रहा है और बन गया है। अब आप जैसे सज्जनों और देवियों को हमारे सप्त ऋषि विशेषकर फरमाते गए, आओ पहले बुद्धि को मांझ लो। मांझने को बोलती है सुसंस्कृत करना। जो संस्कृत भाषा बनी वो सारे ऋषियों ने शब्दों को, व्याकरण को और बाकी सारे नियमों को मांझ के बनाई, इसलिए इसका नाम पड़ा संस्कृत। वेल प्योरिफाइड, वेल क्लैरिफाइड,
लैंग्वेज इज इक्वल टू संस्कृत। सबसे पहले जब सृष्टि बनी तो ये सबसे पहली मांझी हुई भाषा है, इसमें किसी को इतराज ही नहीं, संस्कृत। क्योंकि सबसे पहले इस दुनिया में शास्त्र क्या थे, वेद, और वेद संस्कृत में है, मांझी हुई भाषा। तो सबसे पहले बुद्धि को सुसंस्कृत करना है, अर्थात निर्णय में। फिर सुन लीजिए बड़े गौर से, काम के आधार पर निर्णय तो नहीं लिया आपने, अगर आपने कल्याण करना है, अगर मेरी देवियों ने कल्याण करना है, तो काम के आधार पर तो आप किसी पुरुष को नहीं देखती, भले ही आपका आप पति भी क्यों ना हो, भले ही आपकी शादी होने वाली हो, कोई वुड भी क्यों ना हो, भावी पति, फिर क्या काम के आधार पर देखती है? बेटी साधना नहीं हो सकती। स्पष्ट मैं आपसे बातें कहूंगा, मेरे नेक भैया, साधना बिल्कुल नहीं होगी, मन विक्षेपता में रहेगा। अगर किसी भी लड़की को आप कामुक दृष्टि से देखती हैं, विक्षेपता, और इस मार्ग में विक्षेपता सबसे बड़ी बाधा है। भक्ति मार्ग में मन एकाग्र होना चाहिए, मन टिका हुआ होना चाहिए, मन रुका हुआ होना चाहिए। है भगवान ने हमें जोरदार दूसरे अध्याय में चेतावनी दी है, परेशा ख्याली से आए न सो, परेशानी नहीं होनी चाहिए। और परेशानी पैदा कहां से होती है, इन्हीं वृत्तियों से। अब ये सवाल न करो भगवान ने क्यों बनाई, आयु खत्म हो जाएगी, जवाब मिलेगा ही नहीं। इसलिए भगवान ने हमें मौका ये दिया कि इन पे हावी आ जाए। मुझे बुखार क्यों चढ़ा भाई, मैं कांपता जा रहा हूं सारा शरीर, डॉक्टर को बुलाओ मुझे दवाई दो। पहले यही सोच, बुखार क्यों चढ़ा, कल क्यों नहीं चढ़ा, परसों क्यों नहीं चढ़ जाता, आज क्यों चढ़ गया। कैसी व्यर्थ की बातें हैं, जिनकी बुद्धि खराब होती है वो इन्हीं बातों में लगे रहती है। अरे बुखार चढ़ गया, इसका इलाज करो फटाफट। इन गंदी वृत्तियों से बचने का हमें इलाज करना चाहिए। अब ये जो कुछ होगा, भगवान ने क्यों बना दिए, ये गंदी वृत्तियां बन गई हैं। ऋषि भी इसके लिए तप कर कर करके हार गए, कोई जवाब नहीं पाया। अब इस पर हावी कैसे आए। गीता के कृष्ण मन को मारना नहीं चाहते हैं, मन को निष्क्रिय यानी निठल्ला नहीं बनाना चाहते, वशीकरण करना चाहती है, वश में कर है। अभ्यास और वैराग में कमाल, दिल आ जाए काबू में करना चाहते, ना कि इसके इसको बिल्कुल खत्म कर दे। मन को निकम्मा नहीं करना चाहते, वशीकरण। आप अपने साइकिल से काम लो लेकर अपने अधीन रखकर, अपने स्कूटर को चलाओ लेकर अपने अधीन रखकर, ना कि तुम उसके अधीन हो जाओ। इतने चलाओ कि वो आपके काबू से बाहर ना हो जाए, इतनी मीडियम स्पीड रखो कि आप के वो अधीन रहे, आप उसके अधीन ना हो जाए। यही हाल हमारे अंदर के ऑर्गन का या इंस्ट्रूमेंट्स का, क्या हम बुद्धि और मन और तन के अधीन ना हो जाए। ये बहुत अच्छा फार्मूला हमें भगवान कृष्ण ने बताया और समझाया। तो मैं कह रहा हूं बड़ी जबरदस्त बाधा है अपने ऋषियों के अनुभव द्वारा, और हमारा अपना अनुभव है संग दोष। तो देखिए बुद्धि में किसी गंदी वृत्ति से दोस्ती लगा करके आप भक्त नहीं बन सकते, मेरी देवी आप साधना नहीं कर सकते, आपका मन चंद दिनों में उब जाएगा। अगर निर्णय आप काम के आधार पर ले रहे हैं, या किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया और क्रोध के आधार पर निर्णय लेते हैं, मैं इसको बताऊंगा, मैं इसके नाक को चने चबाऊंगा, भक्ति गई, इससे विक्षेपता आएगी भगवती, इससे मन के अंदर हलचल मच जाएगी। और भक्ति किससे होती है, न जीते की शादी नहा दिल के तवाजन का है नाम। अच्छी तरह जरा अपने मन को समझाओ, इसलिए जीते जी अपने आप को मार देना होता कि किसने मेरे साथ बुरा किया तो बहुत अच्छा किया, मैंने बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना। शाबाश, अगर कोई मेरे साथ अटैचमेंट कर रहा है तो अटैचमेंट का जवाब मैंने अटैचमेंट से नहीं देना। शाबाश, अगर कोई मेरा प्रयोग करके अपने लोभ को बढ़ाना चाहता है पर मैंने उसका प्रयोग करके अपनी लोभ वृत्ति को नहीं बढ़ाना, अगर कोई अहंकार भरी बातें कर रहा है तो मैं अपने बाप दादा का हवाले, ठीक है वो बहुत बड़ा, भगवान करे और बड़ा हो जाए, पर मैंने उसकी बात को काटना नहीं, भले मैं उससे बड़ा हूं या आप बड़े होंगे लेकिन आपने नहीं काटना, क्योंकि उसे संसार में ही जन्म मरण में आना है, आप इस चक्कर से छूटना चाहती, आप इस गर्दन से अपने आप को आजाद किया चाहते हैं, तो आपका धर्म नहीं बनता कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दें। अगर हम रजोगुणी होते तो जो आपकी मर्जी थी करते रहते,
फिर तो इंसान मौत और भगवान को बुलाकर मनमानी करके खराब और बर्बाद होता। पर आपके सामने मौत भी है और भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं। मौत का मतलब डरने वाली मौत नहीं, आखिर में छोड़ के चला जाना। मौत का अर्थ सिर्फ यही लगाना कि वो दिन जल्दी आ रहा है जबकि मैंने सबको फेयरवेल कह देना, सबको जवाब देना है। उस आखिरी दिन को हमने नहीं भूलना। इधर भक्ति हमारी जोरदार हो जाएगी, इधर मेरे देवी ये भक्ति में बढ़ जाएंगी, आप और भी आगे निकल चलेंगे। शाबाश। तो आइए आप अपने निर्णय को देखना कि आपका निर्णय शुभ हो रहा है ना। आपका निर्णय गंदी वृत्तियों के आधार पर तो नहीं होता। तो मैं स्पष्ट आपको चेतावनी दे रहा हूं, भक्ति में आप एडवांस नहीं हो सकेंगे। अभी भी मेरी देवियां और मेरे सज्जन पुरुष अपने आप को देख लें, गंदी वृत्तियों के आधार पर तो मैं बुद्धि से निर्णय नहीं लेती। ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, ये द्वेष और राग, इसके आधार पर तो मैं अब निर्णय नहीं लेती। इससे देवी क्या होगा, विक्षेपता बढ़ेगी। मैंने बता दिया आपको बार बार, जहां विक्षेपता है वहां भक्ति नहीं, जहां भक्ति है वहां विक्षेपता नहीं। वहां मन और बुद्धि इस तरह जम जाती है जैसे रात को तल पदार्थ पानी की तरह बहने वाले को बोलते हैं, तल या लिक्विड दूध होता, पर उसमें आप प्रेम पूर्वक जामन लगा देती हैं, सवेरे चक्के देखती हैं दही के, आप मुंह से बोलते रहती हैं दही जम गई, दही नहीं जमी, जो होगी दही वो जमेगी क्या, दूध जम गया, और दूध जम के दही कहलाया, जम क्या गया, चक्के बन गए, दही जम गया ना बोला करो, दूध जम गया, अब दही के चक्के हो गए, जम गया ना, वो तो तल पदार्थ था, जरा सा इधर तो लुढ़क जाएगा, अब दही तो नहीं लुढ़केगी, दही तो जमी हुई है। इस तरह जब कल्याण की भावना हमारे अंदर गहरी उतर जाती है तो जरूर विश्वास कीजिए बुद्धि और मन दही की तरह जम जाता। अब उसमें विक्षेपता यानी तरल, तरलता नहीं रहेगी। ठोस और तरल दो चीजें होती है। ठोस अब जैसे गुड़ है ठोस, जैसे सब्जी है ठोस, लेकिन तरल पदार्थ जैसे दूध है, जल है, जो बहने वाली चीजें हैं लिक्विड, तो मन तो लिक्विड है और बुद्धि भी लिक्विड बन चुकी है। साधना क्या है, इन दोनों को ठोस बना देना, सॉलिड। बुद्धि को जमाने का तरीका, इसमें जामन डाल दो। किस चीज का, मैंने अपनी बाकी जिंदगी में भक्ति ही कमानी, बुद्धि जम जाएगी। आप में, चूंकि आप में सतोगुण बड़ा हुआ है, आप में चूंकि आप कल्याण कामिनी है, रजोगुण में नहीं तमोगुण में नहीं, आप देवियों के अंदर यह भाव पक्का हो जाएगा कि मैंने तो कल्याण करना है अपना, जितनी भी आयु रहेगी, ये एक दिन है या सौ दिन है, इसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन जितनी भी है मैंने कमानी अपनी भक्ति है। लो, बुद्धि जम जाएगी। जब ये निश्चय आपका दृढ़ है कि मैंने भक्ति कमानी है, बस मैंने अपनी आयु को अब व्यर्थ नहीं जाने देना, मैंने अपनी आयु को खराब नहीं करना, तो बस अब ये जम जाना चाहिए। अब आपसे कोई भी और इरादा ना हो सकेगा। इट इज इंटायरली इम्पॉसिबल टू रिकंसिडर, टू रीडिसाइड। गौर करना जरा आज के इस भाषण पर, और निर्णय आपके वश की बात ही नहीं है। जो जो भी इस मार्ग में बढ़ा, जब उन्होंने भक्ति का निर्णय ले लिया, सारे निर्णय पीछे हट गए। मैं इतनी इज्जत लेंगे खत्म, मैं इतना कमाऊंगा खत्म, मेरे और बेटा होना चाहिए हमेशा के लिए खत्म, मेरी पत्नी मेरे आगे सुंदर नजर आनी चाहिए, मेरे पति और तरक्की कर जाए, ये जितने भी ये संघ दोष वाले आइडिया है सारे क्या हो जाएंगे, गोविंद गॉन। ये संघ दोष का आइडिया नहीं रहेगा जब भक्ति का आइडिया जम जाता कि बस मैंने भगवान की भक्ति कमा ली, मैंने इस जन्म को सफल करना है भक्ति के माध्यम से, भक्ति के द्वारा। फिर आपके वश की बात है कि आप और निर्णय ले सके, नहीं ले सके, आपके वश की बात नहीं। नहीं बेटे, अब आपका निर्णय नहीं हो सकता। आपकी शादी के बाद हमारे हिंदुस्तान में दूसरी आपकी शादी हो जाए, जैसे अब तक मैं कह सकता हूं असंभव। अब तक भी चाहे वक्त बहुत काला हो चुका है, एक बार शादी हो जाए दोबारा आपकी शादी हो, असंभव असंभव असंभव। अब तो गवर्नमेंट का नियम ही ऐसा है कि आप कर ही नहीं सकते। एक आपने कर लिया, एक पत्नी या एक पति, दो पत्नियां ये नहीं रख सकते।
वाह, इतने एक डिसाइड आपने भक्तियां कर दिया, अब और डिसीजन आपसे नहीं हो सकेगा। संग दोष से बचिए, अर्थात और निर्णय ना लीजिए। जैसे मेरी बेटी शादी के बाद किसी और पुरुष को भी देखे तो ख्यालों रूप में अपवित्र हो जाएगी, इस तरह हमारी बुद्धि भक्ति का निर्णय ले फिर और भी निर्णय ले तो अपवित्र कहेंगे इसे। फिर इसके साथ भक्ति के साथ इंसाफ नहीं हो सकता। जैसे दो पति करके मेरी बेटी आप इंसाफ नहीं कर सकते, जरूर लड़ाई झगड़ा होगा, जरूर एक और आपका मन हो जाएगा, दो तरफ नहीं जा सकता। इट इज इंटॉरली, बड़े बड़े राजे महाराजों ने भी अगर शादियां की, मुंह की खाई। आप किसी का भी नाम ले लो, अखीर में चाहे राजा दशरथ भी थे, अच्छी तरह जलील होकर कुत्ते की मौत मरे हैं जी। हालांकि भगवान राम के पिता और डाइंग बाय इंचेस, बड़ी भारी भूल की जो अनेक शादियां कर बैठती है, चाहे पटियाला के राजा थे, चाहे नाभा के राजा थे, चाहे कोई और राजा होगी, इनकी जीवनियां मैंने पढ़ी हैं, बहुत जलील हुए, बहुत बर्बाद हुए। तो सरकार पवित्रता तब रहती है जब एक तो संतोष बुद्धि द्वारा ना हो, एक ही निर्णय। अगर आप और भी निर्णय, आप कहेंगे हम गृहस्थी हैं, हमने कमाना भी है, जरूर कमाइए, निर्णय लेके नहीं, मैंने हजारों पति बनना है, मैं लाखों पति बनना है, अब आप मार खा लेंगे, आपसे फिर कुकर्म होंगे, नहीं, आपने क्या कहना चाहिए, मैंने बहुत पढ़ जाना, अब आपको ये कहना अच्छा नहीं, मैंने विदेश जाना, ये कहना आपके लिए अच्छा नहीं, या कल्याण कामनी ना बनो, आपको क्या करना कहना चाहिए, पुरुषार्थ कर रहा हूं, आगे मेरे भगवान जाने भगवान का काम, क्योंकि प्रभु ने हमें इतना ही पाठ पढ़ाया है, तुझे काम करना है ओ मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार क्या होगा, मन विक्षेपता में नहीं जाएगा। ट्राई हमने करेंगे, वांट वी नथिंग। एक बार तो आपको हैरानगी में डाल देंगे शब्द, हम पुरुषार्थ करेंगे पर चाहते हम कुछ नहीं, कैसे होगा, जो आपके प्रारब्ध में है वो मेरे भगवान आपको दे रहे हैं। प्रारब्ध आपसे पुरुषार्थ जरूर मांगती है, क्या पुरुषार्थ करो, मिलेगा वही जो आपके प्रारब्ध में है, बस हमारे मन में विक्षेपता ही बंद हो गई, हमारी जानने रही कि मैं तो पुरुषार्थ करना है, उसके बाद जो मेरे मुकद्दर में गए दैट आई मस्ट ऑब्टेन। ये कितनी अच्छी वैदिक धर्म की सूझबूझ है, हमारे ऋषियों का कितना बड़ा उपकार है, पुरुषार्थ करते चलो, कामना मत रखो, वो जो तुम्हारे मुकद्दर में है तुम्हें जरूर मिलेगा। डाकिया गलती कर सके कि आपका पत्र कहीं और डिलीवर कर दे, पर मुकद्दर गलती नहीं कर सकता कि आपका मुकद्दर कहीं और डिलीवर हो जाए, ये नहीं सकता, वो डिलीवरी आपको ही होगी, वो जो प्राणी पदार्थ मिलने हैं वो आप ही के यहां होंगे, इसलिए पूरा विश्वास प्रारब्ध के ऊपर, और निर्णय ना लेना, पुरुषार्थ कीजिए, पत्नी बीमार है जरूर पुरुषार्थ कीजिए, लेकिन डाउन ना जाइए, इलाज लग नहीं रहा, चौथा डॉक्टर हो गया बदलते हुए लेकिन लग नहीं रहा, तो फिर आप डाउन जा रहे हैं, ये नहीं कर्तव्य। आप अपने मन को समझाइए, क्योंकि आप मन के दो टुकड़े होते जा रहे हैं, एक जो यहां से भगवान को उपदेश देते हैं ये शुभ मन बन गया, एक जो संसारी था वो अशुभ मन है। अब क्या इस मन की जो शुभ भगवान दे रहे हैं उस मन की आपस में लड़ाई होती है, जो भगवान का मन है ये बड़ा स्ट्रांग मन है, हाई थिंकिंग वाला है, तो यह हावी आ जाता है विचारों पर, आप संसारी विचारों पर आप हावी आ जाएंगे। घबराया नहीं, मैं इलाज कर रहा हूं, जितनी आयु इसकी है भोग लेगी, शाबाश। बहुत अच्छे उस सज्जन पुरुषो और मेरी कल्याण का अनुदेव बहुत अच्छे सारी, जब एक निर्णय ले लिया और फिर खाओ भगवान के श्री चरणों की सुगंध, में और निर्णय नहीं लूंगी। एक बार मजा देखो, ध्यान में बैठने का, जाप करने का, सत्संग करने का, गीता जी पढ़ने का, कितना मजा आता है कि सारी शक्ति उस एक में हो जाती, सारी की सारी शक्ति उस एक में है। इसी समय से आजमाना शुरू कर दो, फ्रॉम दिस वेरी पीरियड। आप लोग इसलिए तरक्की नहीं करते, आप अनेक निर्णय ले लेते, फिर क्या होता है, बुद्धि को उधर भी सोचना पड़ता है और मन को नाना प्रकार की स्कीम्स बनानी पड़ती हैं, क्योंकि निर्णय के बाद योजनाएं बनती हैं मन द्वारा, हैं तो पूरा ऑफिस है, मन वर्क मैनेजर है, और ये 10 अंग है, ये क्लरिकल स्टाफ है, और ये बुद्धि हमारी सुपरिटेंडेंट है, हैं ये ऑर्डर देती है, मन उस ऑर्डर को पूरा करने की स्कीम्स बनाता है जो इन 10 अंगों द्वारा पूरी करवाता है, फिर वो पूरी करवा के बुद्धि के पास फाइल वापस जाती है,
आप देख लीजिए जैसे आपने ऑर्डर दिया था ठीक एग्जीक्यूट हुआ है काम के नहीं, कितनी शक्ति आपकी बढ़ गई। जिसका एक ही निर्णय है चंद ही दिनों में, मैं कहता हूं मेरी जबान पर विश्वास कर लो, ऋषियों के शब्दों पर विश्वास कर लो, एक निर्णय लेने में 7 दिनों में देखो आपकी उन्नति क्या हुई। मन एकाग्र और शांत, एकाग्र शांत और सूक्ष्म, बड़ी भूल करते हो आप, कल्याण की इच्छा भी रखते हो और निर्णय अलेख ले लेते हो। क्या रहेगी भक्ति करने में शक्ति? जैसे मैंने कहा सब टूटियां खोल दो, सब टैप जो हो ऑन हो, तो पानी आपका हिस्से में फिर इतना ही आएगा। साबुन लगा पड़ा है पूरा नहीं धुल रहा है तो क्या किया जाए, पानी तो फिर उतना ही आएगा। इसी तरह अनेक निर्णय लेने के बाद मन की शक्ति कम हो जाती है, हमारे में उत्साह बढ़ता जाता है। आप भी क्यों नहीं, गीता एक है, बताने वाला एक है, हमारे इष्ट देव जी एक है, मंत्र हमारा एक है, हम लोगों के और निर्णय नहीं बनते, आप लोग अनेक निर्णय ले लेती है, इसलिए आपसे इंसाफ नहीं होता, इसलिए मेरे बच्चे आप हर रोज सवेरे उठते भी नहीं, आप मनन भी नहीं करते। वो काफी शक्ति तो बाकी निर्णय खींच के ले गए, काफी आपकी शक्ति तो बाकी जगह ले गए। आहा, फिर वो क्या करेंगे? जब जब ऐसे प्रसंग चलते हैं, मुझे गुजरी हुई जिंदगी की कुछ घटनाएं याद आ जाती हैं। हम लोग पढ़ने जाया करते थे तो रास्ते में जो हमारे साथ 8वीं क्लास में पढ़ते थे नामी में, वो नहीं गए तो हम उनसे रास्ते में कभी अचानक मिल गए तो हम पूछे, शाम नमस्कार नमस्कार, तुम 9वीं क्लास में दाखिल नहीं हुए? भाई तुम अपने माँ बाप के एक एक लड़के हो, जितना मर्जी वो खर्च कर दे, हम 5 भाई हैं, हम बाप हमें कहां तक पढ़ाए, वो हमें 8 पढ़ा पढ़ा के दुकानों में अपनी दुकान में बुलाता जा रहा है कि मेरे हाथ बनो, तो फिर वो कहां तक पढ़ाए? अच्छा तुम फिर आगे नहीं पढ़ोगे ना, किस किस को पढ़ाए फिर तुम? वो तुम्हारे भाग अच्छे हैं, जितने मर्जी पढ़ते जाओ, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे पे खर्च करना है, हमारे बाप ने 5 पे खर्च करना है। यही हाल बुद्धि के निर्णय का। एक बाप के 5 बेटी हैं और एक बाप का एक ही बेटा है, उस बाप ने 5 पे खर्च करना है और एक बाप ने 1 पे खर्च करना है, जितना मर्जी खर्च कर ले उसे 1 के ऊपर। अब इसी तरह अगर बुद्धि ने अनेक निर्णय ले लिए तो शक्ति कितनों में बट गई, फिर क्या होगा? ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर। क्या मतलब इसका अर्थ? तुम सुनती तो रहती हो क्या, ना तो हम किसी के साथ शरीर का प्यार ही कर सके और ना ही दिव्य प्रेम में अपनी बुद्धि को लगाया, हम दोनों तरफों से मारे गए। चलो शरीर प्यार ही करके किसी को अपना बना लेते वो भी नहीं कर सके, और ना ही दिव्य प्रेम में लग के अपनी परमार्थ बना लेते, हम दोनों जहां से मारे गए। जो अनेक निर्णय ले लेती है कहीं भी इंसाफ नहीं कर सकते, ये हो गया संदोष। जो हमारे ऋषि कहते हैं, ओ इस मार्ग पे बढ़ने वालों होशियार होना, संदोष से बच जाना, तभी आप इंसाफ कर पाएंगे। अगर कल्याण की सचमुच आप में जैसे आकांक्षा उठ खड़ी हुई है तो इसी समय भगवान के चरणों की सुगंध खा लो, मैं एक के बाद और निर्णय नहीं लूंगा, पहले मुझे पता नहीं था। ये संदोष कुछ आप और ही अर्थ लगाते रहे, सबसे पहले संदोष तो बुद्धि का होता है, बुद्धि अपवित्र होती है। जैसे मेरी बेटी शादी के बाद फिर और भी किसी को पति के रूप में देखे तो ख्यालों से अपवित्र हो गई। इस तरह बुद्धि भगवान का निर्णय लेकर के और भी निर्णय ले तो दिल अक्ल को ले चले इस तरह के तूफान में किश्ती। भगवान ने दृष्टांत बड़ा भयानक और रोमांचकारी दिया, फिर बुद्धि पर इतनी शक्ति नहीं रहेगी और स्टंडा मुस्टंडा ये मन उसे खींच के ले जाएगा। बड़ा भयानक दृष्टांत है, जैसे नाव गिर जाए पानी के तूफान के अंदर तो सारे यात्री फिर पानी के तह में बैठ जाएंगे। देवियों अपने पे तरस करना, मेरा काम समझाना बताना, आपको प्रेरणा भी देना है, भगवान के चरणों में आपके लिए प्रार्थना भी करना है, पर देखना तो सब कुछ आप। मैंने अनेक निर्णय नहीं ले, मैं किसी भी निर्णय के साथ इंसाफ नहीं कर सकूंगी। इसे और भी कहा जाता है, लोहार की भट्टी पे चलो, लोहार की दुकान पे हम गए, वहां कोलों की भट्टी गर्मा गर्म थी। हाँ, उसने एक रॉड लोहे का उस भट्टी में रखा हुआ था, इधर धौंकनी मारे जा रहा, तो 15 मिनट के बाद वो जो लोहे का काला रॉड था बिल्कुल अग्नि की तरह लाल हो गया।
अब उसने चोटें मारनी थी, उसको सीधा करना था, वह बड़ी जल्दी हो गया। उसके बाद वो चला गया रोटी खाने, तो बेटी को बता गया, बेटे ये 8-10 राड पड़ेंगे, इसी तरह तू करता रहा। अब उस नालायक ने क्या किया, 8 राड अंदर लगा दिए आग के अंदर, कि कौन एक एक टंटा करता रहे, बापू मेरा तो बातरे पै गया, जल्ला हो गया जल्ला। अबे लगा उसने खूब भौंकनी मारी, कोई भी राड लाल नहीं हुआ। कहां सारी आंच, बड़ा चरिष्टांत है, सो मेनी आयरन्स इन द फायर, कितने अच्छे दृष्टांत वापस दे गए। कहां तो सारी आंच एक राड को लगनी थी, और कहां सारी आंच 8 राडों को लग रही है, कोई भी लाल नहीं हुआ। क्योंकि किस किस राड को लगे, वो तो अग्नि डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, हाँ तो कोई भी सीधा नहीं होगा। मैंने जाए गई, अग्नि भी जाएगी, कोले भी जाए गए, ओए रब्बा मेरे यार, बाप आया, अब वो प्यार करेगा, थप्पड़ मारेगा, तुझे जो मैंने कहा था कि एक एक कर ले, तुम तो हमें जल्ला समझते हो, शर्मिंदा हुआ बच्चे। इसी तरह जरा आप अपने आप को देख ले, हमारा काम तो प्रकाश डालना है, अपनाना है, दिन रात लगे हुए अपनाने में। अब आपका काम है हमारे जैसे समझ करके अपना निरीक्षण करना, क्योंकि आप कल्याण कामी है, आप सबके सब जो यहां तशरीफ लाती है कल्याण कामी है। देखिए मैंने एक ही निर्णय लिया है कि नहीं, अब ये हर एक का अपना अपना विषय है। एकाग्रता पूर्वक सच्चाई के साथ सीरियसली एंड मोस्ट सिंसियरली अपने आप को देखते रहिए कि मेरा निर्णय एक ही है ना, निर्णय पर निर्णय तो नहीं आ रहा, निर्णय पे निर्णय तो नहीं आ रहा, फिर नहीं इंसाफ होगा। बड़ी भारी भूल, इसे बोलते हैं संघ दोष, जो आप कर जाते हैं। मैंने फलां नौकरी लेके छोड़ ली है, आप यहां भी तशरीफ लाते हैं और लिखते भी बहुत हैं और कापियां भी आप बनाती हैं, जाप भी करती हैं, 12वां अध्याय भी पढ़ती हैं, ये बेवकूफी क्या कर रहे हो कि मैंने फलां नौकरी लेके छोड़नी है, नहीं, पुरुषार्थ करूंगा, मिल गई मच बेटर, ना मिले मोर बेटर। ये मच बेटर मोर बेटर मेरे गुरुदेव की शब्द ले लो, मन अपना तवाजा ही नहीं खोएगा, मिल जाए मच बेटर, ना मिले मोर बेटर, मिल गई वाह, ना मिली तो उससे भी वाह वाह वाह, नहीं मिलती ना मिले, ये मन का तवाजा नहीं खराब होगा। अगर आपने मेरे लेके छोड़नी है तो फिर क्या करना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, झूठ मकर फरेब से काम लेना पड़ेगा, रिश्वत देनी पड़ेगी, प्रसाद करते हैं फिर मुकदर विकदर मिल जाएगी, नहीं तो ना सही। मन आपका शांत रहा, मन में विक्षेपता का जरा भर भी मौका ना मिला, समझ लो मेरे से, अगर भक्ति कमा करके इस छोटी सी उमरिया में अपना कल्याण कर जाना। अब उमरिया आपकी कितनी है, जैसे छोटी सी गगरिया हो, और जैसे बच्चों के पास गगरिया होती है, गागर की नकल, कितना सा छोटी सी गगरिया, इतनी सी जिसमें गंगा जल ले आती है। अब उमरिया भी हमारी गगरिया रह गई, उमरिया भी छोटी सी गगरिया है, अब बस थोड़ा सा ले लो, बस निर्णय एक ले लेना है बस, और जो बाकी प्रसाद कर रही है, जो हमारे प्रारब्ध में होगा वो भगवान देता जाएगा। अगर आपने ये भूल की, संदोष हो गया, नहीं इंसाफ, फिर इस जन्म में तो नहीं होगा, फिर आगे जन्म लेते रहना। पर हम सबकी इच्छा है कि इसी जन्म में ठोस लाभ कर ले। अगला जन्म किसने देखा, अगली जन्म की मार किसने देखी, धक्के धक्के, अभी हम धक्के देख रहे हैं, फिर और भी धक्के होंगे। तो अब जो भगवान ने मौका दिया, और अपने श्रीमुख से भी कह रहे हैं, सादत ये हो शाजो नादर, ऐसा मौका कभी कभी मिलता है, ऐसा सुनहरी मौका, फिर ये भूल ना करो मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, निर्णय एक ही है ना, निर्णय और तो कोई नहीं बनाया आपने, बनाया है, कितनी भूल है फिर आपकी, कह रहे बनाया है, बनाया तो गए, एक ही लड़का है, दिल चाहता है एक और हो जाए, कितनी भूल है आपकी, इन तंत्रों से तो आप बचो। अब तो भगवान से कहो कि बस प्रभु, कि मैं मां बन के भी देख लिया, पत्नी बन के भी देख लिया, अब तो तेरी दासी बन के देखना चाहती हूं, ताकि दासी बन के मुझे और कुछ ना देखना पड़े, आपको तो यूं कहना चाहिए। बाकी मैंने बड़े रिश्ते निभाए, हो रिश्ते बने, हो रिश्ते,
अब तो एक ये मेरा आखिरी फाइनल लास्ट रिश्ता है, आपके चरणों की दासी बन के समा जाऊं आपके अंदर। फिर आप कहती मैं और मां बनना, फिर विक्षेपता, फिर मन में हलचल, फिर नए सिरे से एक दो 99 तक पहुंचना। कौन करेगा भक्ति आपकी, कौन एकाग्र करेगा, सेहत में कितना अंतर पड़ेगा। बस जो भगवान ने देना था दे दिया, जो भगवान ने बख्शना था बख्श दिया, इतना ही काफी है। शेरनी का एक ही पुत्र होता है, हाँ गीदड़ों के और बकरियों के अनेक पुत्र होते हैं। शेरनी का एक बच्चा जिसने अपने जीवन में कल्याण करना होता है वो एक से संतुष्ट हो जाती है। कुतिया के अनेक बच्चे हों तो हम कह नहीं सकते, लेकिन इस मार्ग में बढ़ने वाली का एक ही बच्चा काफी है। भगवान करे दीर्घायु हो और श्रवण पुत्र पैदा हो जाए, बहुत अच्छे। आप देखिए कोई और निर्णय बनाया फिर आप क्या है तो सही बाबा, पर आज के बाद उसको मैं खत्म कर दू, कोई जरूरत ही नहीं। और निर्णय ये मन के मन का माया का और गंदे संस्कारों का धोखा है, जो भगवान के उत्तम निर्णय को छोड़कर हम गंदे मंदे निर्णय बनाए फिरते हैं। और मैं आपको एक जगह ले चलू, प्रहलाद, और प्रहलाद के सामने भगवान जी उपस्थित। जरा ये भागवत पुराण का की घटना लीजिए, और भगवान जी का ये स्वभाव है, वरम ब्रूही वत्स, मेरे प्यारे बेटे वर मांगो। प्रहलाद कीपिंग मप, दोबारा प्रभु नारायण ने कहा, वरम ब्रूही वत्स वत्स, मेरे प्यारे वर मांगो। कांप गया सारा श्री नीचे से ऊपर तक, कि भगवान से मैं दोबारा कला रहा हूं। भगवान ने संघ छुआ दिया, हाथ रखा, अंदर सरस्वती प्रवेश कर गई, सारी बिना पढ़े सब पढ़ाई हो गई, सब कुछ जगमगाहट हो गई। प्रभु क्षमा चाहता हूं, क्यों वर के लिए मुझे अनुरोध न करो, क्यों मेरा स्वभाव है, मेरे लिए तुमने कितने कष्ट उठाए और मैं देखता ही रह गया, अब वर मांगो ताकि कुछ तेरा ऋण कम हो जाए, उरेन हो जाऊं। प्रभु ऐसी बात भगवान करे हम सब में समा जाए, जो प्रहलाद ने महाराज जी को उत्तर दिया, प्रभु इस सारी सृष्टि में आप ही उत्तम है ना, हाँ हाँ, आपसे बढ़कर तो कोई वस्तु प्राणी पदार्थ है ही नहीं, हाँ हाँ, अब जो मांगूंगा वो आपसे घटिया होगी ना। वही कभी भगवान छिप गए, शर्मिंदा हो गए भगवान, अब मैं क्या कहूं। दलील देखो मेरी बेटियों, आप सारे जहान से उत्तम है, जहां उसको मिलने से आए यकीन के दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं। अब मैं जो भी मांगूंगा आपसे घटिया चीज मांगू, भगवान ये आप क्या कह रहे हैं। बहुत खुश हुए प्रहलाद पर, प्रहलाद तेरी जैसी बुद्धि हर एक भगत में, तूने कमाल कर दिया प्रहलाद, देखो ना बच्चे बेस्ट चीज आपको मिल गई, आप उसके बाद क्या मांगना चाहते हो, उससे कम बेटर मांगोगे, बेस्ट तो मिल चुकी है, अब बेटर क्या जरूरत है। ये होता है निर्णय पक्का, ये है दनाई वाला निर्णय, विवेक वाला निर्णय, विचार वाला निर्णय, वैराग वाला निर्णय, कि जब मुझे उत्तम चीज मिल चुकी है वही डिमांड क्या अनुत्तम। ये भाव बिठा लो, हमने भी अपने सीने जिगर अंतःकरण में रख लिया कि भगवान से बढ़कर तो कुछ चीज है नहीं, अपने श्री मुख से कह रहे गए सोनर्जन नहीं कुछ भी, और उत्तम है वो। इसके बाद जब आपने उत्तम निर्णय ले लिया बुद्धू बनोगे ना, कोई और निर्णय लेती बार बुद्धि को क्यों खराब करते हो, बुद्धि को क्यों हम अपवित्र करें, है ना। बस मैंने एक निर्णय ले लिया, बस काफी है काफी है काफी, मैंने अब भक्ति का निर्णय ले लिया, तो जिस भी भगत ने जीवनी तो आपने पढ़ी होंगी और भी पढ़ो, उन्होंने अपने जीवन में एक ही निर्णय लिया, अनेक तक किसी ने लिया। आजकल के जो महापुरुष हुए जिनको हम कहेंगे अर्वाचीन, और पहले जिन्हें हम प्राचीन कहेंगे, प्राचीन अर्वाचीन, इन दोनों भक्तों में हम तुलनात्मक समीक्षा करें या तुलनात्मक अध्ययन करें, एक निर्णय के बाद तो फिर कोई निर्णय उन्होंने लिया ही नहीं। इसमें सारे निर्णय आ गए, हाथी के पैर में सबका पैर, भगवान की भक्ति के निर्णय में सारे निर्णय आ गए। देखना संग दोष यहां से शुरू न हो, अनेक भक्तों से ये बड़े भारी दोष हो जाते हैं, फिर ना वो अच्छे दुनियादार बन सकती है ना अच्छे खुदादार बन सकते हैं। ये निर्णय ना करना मेरी देवियों, बस एक इंसाफ नहीं होता,
सिमिटी बिल्कुल नहीं इंसाफ होता, क्योंकि मन विचारों का पुतला है और अगर कोई विचार करेगा तो एकाग्र होके करेगा है। ये भारतीय मनोविज्ञान ने कमाल किया और बताया हमें भारतीय मनोविज्ञान ने कि जब मन विचार करेगा तो एकाग्र होके करेगा। आप माँ जी का विचार कर रहे हो तो तब विचार करे जब पिताजी का, बहन का, भाई का, पत्नी का विचार ना आए, केवल माँ का विचार आए। हाँ, अब आप अपने पति का विचार करें तो बाकी अपनी बेटी का, बेटी का, सारों का, मकान का विचार छोड़ दिया है, तब उस विचार पर आप एकाग्र हो सकते हैं। तो फिर एक का विचार आएगा। आप कहें कि एट द सेम टाइम में पति और पुत्र का दोनों का विचार कर लूं, नहीं कर सकती। या बेटे की तरफ मन झुक जाएगा या पति की ओर मन झुक जाएगा। शाबाश। मैंने कई बार आपको पहले ही बताया है, एक कागज ले लीजिएगा, पूरी कॉपी का कागज, और एक इधर छेद बनाइए और एक इधर छेद बनाइए, और इनमें दो उंगलियां इस छेद में उंगली और इस छेद में उंगली दीजिए, और अपनी बहन को या अपने किसी और दोस्त को कहना कि भाई एक दो तीन कर। आप दोनों कागजों पर, एक ही कागज में दो छेद बनाएंगे और दो उंगलियां उसके अंदर है। अब आपने क्या करना है, दोनों का एक बार ही फाड़ के रख देना। जब आपका दोस्त कहे या आपकी सखी या बहन कहती है एक दो तीन, तो आप देख के दंग रह जाएंगे, उंगली एक तरफ चलेगी दूसरी नहीं चलेगी। आपने पूरी कोशिश करनी है कि मैं दोनों ही कागजों के दो टुकड़े कर दूं, नहीं हो सकता। बच्चों ने पूरी कॉपी फाड़ डाली एक एक करके, एक एक करके, वो क्योंकि मन ने कोई काम करना है ना, एकाग्रता एक तरफ होगी। बड़े कमाल का दृष्टांत, घर में फाड़ के एक दो कागज देख लेना, कॉपी कागज लेके इधर छेद किया, इधर छेद किया, उंगलियां फसाई दोनों, और एक दो तीर खुद ही कर लीजिएगा, और कोशिश ये करो दोनों फट जाए, नहीं फटेगी, या दाया फटेगा या बाया फटेगा, क्योंकि फाड़ना उंगलियों ने नहीं, फाड़ना मन की एकाग्रता ने, और एकाग्रता एक तरफ होगी। इसी से अपने मन को समझा लेना, मनवा या फिर दुनिया बना ले या फिर भगवान बना ले, दुनिया में पुरुषार्थ करता चल और भगवान में भक्ति करता चल, पर निर्णय दो नहीं लेने, संदोष हो जाएगा। ये पक्की बात ये अभी से पकड़ लो, बड़ी कमाल की बात है जो आप अभी उठा लो, अभी ले लो कि मैंने बुद्धि का संदोष नहीं करा, मैंने बुद्धि में एक ही निर्णय रखना है, मेरा कल्याण भगवान से होना है, नाना प्रकार के दुखों से मैंने भगवान ही समर्थ है जो मुझे छुड़ाए, और जो बड़ी बुरी बीमारी या आवागमन की बार बार जन्मू मरू गर्भ में गिरूं, ये भगवान कर सकती है, इसलिए मैंने भगवान की भक्ति ही कमानी है, जो किसी जन्म में मुझे इसकी महत्ता का पता ही लगा, वाला इंपॉर्टेंस का मालूम ही नहीं हुआ, अब मुझे इंपॉर्टेंस का मालूम हो गया। नाउ ओनली वन डिसीजन, नॉट टू, नॉट थ्री, नॉट फोर, ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन। शाबाश। जैसे एक ट्राइंगल बनाइए, ये एक ट्राइंगल बन गई, इसमें से आप एक ही ड्रॉ करेंगे क्या, परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ सकते, 90 एंगल का जो 90 एंगल एक गिरेगा सेंटर में से लेकर सीधा, दो परपेंडिकुलर बनाओ ना, नेवर। इस तरह हम एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, मैंने अपनी अवशेष आयु में भक्ति ही कमाई, बस, बाकी मैं गृहस्थी हूं, प्रसाद कर रहा हूं, मैं कमाता हूं, मैं दफ्तर में लगा हुआ हूं, जो मेरे योग्य काम है दफ्तर के मैं कर आता हूं, पर मेरा निर्णय नहीं कि मेरी प्रमोशन हो जाओ, जब जब मेरी प्रमोशन होनी होती रहेगी, मैं अब धक्के नहीं खाऊंगा कुत्ते की तरह, इस स्टूडेंट के पास तो फलाने स्टूडेंट के पास, जब होनी होगी हो जाए, मैं पढ़ रही हूं जितना मेरा बस चलता है, डिस्टिंग्विश में आगे मत बैठे, मेरिट में आगे, चलो ठीक है, जैसे ही होगा, भगवान ने पहले मेरी प्रारब्ध बनाई है, मैं कोई वेस्ट ऑफ योर टाइम वेस्ट नहीं कर रही, बट आई शुड नॉट कंसिडर, अगर मैं भगवान की दासी बनकर अपना कल्याण करना चाहती हूं तो और निर्णय किसी प्रकार का नहीं लेना, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, हमारा मकान बन जाए, होगा मेरे मुकद्दर में, भगवान सब समा पैदा कर देंगे, मकान बन जाएगा, नहीं हो तो मैं सोच के अपनी भक्ति के इरादे को कमजोर क्यों करूं, भाई भक्ति के इरादे को कमजोर क्यों करूं, ये मन को समझा देना कि आपकी पूरी शक्ति जाते इंटेलेक्ट और माइंड की बात है, वो पूरी एक में लगी है, फिर देखिए चंद ही दिनों में आपकी रफ्तार क्या होती है और कैसी इस परमार्थ मार्ग की मंजिलें आप तय कर जाती है, आप इसलिए लैगिंग बिहाइंड हो जाती है, निर्णय अनेक ले लेती है, कितना ही निर्णय, फिर इसके साथ इंसाफ नहीं हो, जैसे लोहार के पुत्र ने कई लोहे रख दिए भट्टी में, कोई भी लाल नहीं हुआ, या सारी टूटियां खोल दी, पूरा पानी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि बटा बटा पानी आएगा, इसलिए मेरी देवियों
संदोष बुद्धि से संदोष शुरू होता है। एक निर्णय ले लिया, मन को समझाते जाओ, बस तेरा कल्याण भगवान करेंगे, तुझे और निर्णय करके क्या ले दे। वो तो भूल भुलैया थी जब अनेक निर्णय कर लेकर के आप कुछ भी नहीं कर सके। कई बार मैं सुना चुका हूँ, इस मौके पर फिर भी सुनाना चाहता हूँ, पर आप पक्का कर लो, रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। चाहे कितने सितारे, हजारों सितारे होती है, पर रोशनी तो जो पूर्णमासी वाला चांद है पूरा वो ही देगा ना। रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। दिल एक को दिया जाता है, हजारों से नहीं। जब एक मालक की ओर हम झुक गए, बस ठीक है, ये निर्णय ले, वो निर्णय ले, ऐसा करूं ऐसा करूं, और उम्र ये चली जाएगी। और ये जो हमें सुनहरी मौका मिला है, ये भी मेरे हाथ में नहीं आएगा। सारे कहेंगे जब भी अवसर आता है तो अपने साथ पर लगा के आता, आपको गौर से देखता है कि फायदा उठा ले, लाभ उठा ले, मैं तेरे पास आया हूं, वरना उड़ारी मार के मैं फिर किसी और के पास जाने वाला। याद रखना, अवसर पर लगा के आता, आपको उसने मौका दिया आप फायदा उठा लो, वरना दो परों पे जोर मार के फिर किसी और के पास चला जाएगा। अवसर हमेशा नहीं टिकता। भगवान ने अभी मौका दिया, आप में श्रद्धा भी है, प्रेम भी है, लगनता भी है, बुद्धि भी है, समझाने वाला भी आपके पास है, एकांत भी है, अब उठा लो ना, के और निर्णय करके हम कहीं के ना रहे। ना संदोष भक्ति मार्ग में बड़ी जबरदस्त बाधा है, और संदोष बुद्धि से शुरू होता है। आज मैं केवल बुद्धि की बात, बुद्धि का मतलब निर्णय की बात कह रहा हूं। अगलों ने इतने कष्ट प्रहलाद ने उठाए, पर निर्णय नहीं बदला। हमारे नारद जी ने इतना बहकाने की कोशिश की, पर 5.5 साल वाले क्या क्या मिनी महात्मा ने, मिनी मुनि ने, ध्रुव ने अपना इरादा नहीं बदला। इसको मिनी महात्मा बोल लो, छोटा था, कैसे बांधता होगा धोती और धुतुड़िया के, ये पिछले लांग कैसे करता होगा। और उसको नारद जी बहका रहे हैं, चल मैं राजपाट अभी ले देता हूं, बैठ मेरे कंधे पे, है अभी तो मैंने निर्णय लिया है भगवान की भक्ति कमाने का, और राजपाट अभी ले देंगे, और अगर मैं भक्ति सचमुच कमा लूं तो फिर तो पता नहीं मुझे भी क्या मिल जाएगा ना, मैं तो नहीं वापस जाता। अच्छा अगर तू पक्का है तो मैं कच्चा हो जाता हूं, फिर मेरे से महामंत्र भी ले ले और तरीका भी सीख ले। पुत्र तुझे पता ही कुछ नहीं कि भगवान की भक्ति कैसे कमाती है, जाप कैसे रहे, नारद जी गुरु बने और सब कुछ इस छोटे बच्चे को सिखा दिया। अगर आप पक्के रहेंगे दुनिया झुक जाएगी, अगर आप कच्चे तो दुनिया आपको झुका देगी, अब आपकी मर्जी है। अगर आप पक्के रहेंगे, स्वामी जी की शब्द मुझे बड़े अच्छी तरह याद है, आप पक्के रहे दुनिया झुक जाएगी, अगर आप कच्चे रहे दुनिया आपको झुका दे। अब दुनिया को आपने झुकाना है तो अब आपको पक्का रहना पड़ेगा, वरना दुनिया तो आपको झुका देगी। कहां की बात है, नारी है तो गृहस्थी की बात ही है, ये गृहस्थी थोड़े कर सकते, ऐसी बातें बना के खुद भी कुछ अपने आपको तबाह कर देंगे, आपको भी तबाह कर देंगे। एक निर्णय, मैंने भगवान की भक्ति कमाई, चाहे कितनी मुसीबतें आए। हम किसी भी प्राचीन भक्त को देखते हैं, मीरा एक ही निर्णय, कष्ट कितने पाए एक ही निर्णय, संत श्रोमणी तुलसीदास एक ही निर्णय, अपने सूरदास जी एक ही निर्णय, तुकाराम एक ही निर्णय है, नरसिंह जी एक ही निर्णय। जरा आप देख लो, पहली पातशाही और उनके कालू पिता कितना तंग करते थे, अगर जीवनी पड़ी है तो कितना तंग, कितना नानक को तंग किया गया, लेकिन निर्णय एक। खासकर बच्चा जब सच्चा सौदा करके आया, गरीबों को सब कुछ दे दू के आ गया, और बाप ने क्या क्या सुनाई और बेटी ने कैसा शानदार जवाब दिया, पर एक ही निर्णय रहा ना। कालू बाद में संभला है बाप के, ओ मेरा बेटा। हम विवेकानंद को देखें, गुरुदेव महाराज जी को देखें, निर्णय एक रहा, चाहे विदेशियों ने बड़ा तंग किया अमेरिका में या कहीं भी, पर निर्णय एक। स्वामी जी पर पत्थर मारे गए, पादरियों ने पत्थर मरवाए, पर मुस्कुराते रहे कि तुम अपनी सभ्यता दिखा रहे हो कि तुम्हारी सिविलाइजेशन ये सिविलाइजेशन है, तुम्हारा कल्चर ये कल्चर है, ये पत्थर मुझे नहीं मारे जा रहे, तुम अपनी कल्चर और सिविलाइजेशन को मार रहे हो, जहां पत्थर थे वही के वही पत्थर रह गया। जरा टस से मस नहीं हुए, छा गए पर विदेश के ऊपर विवेकानंद, और इंटरनेशनल महात्मा से ताड़ियां मरवा ली कि ये तो हमारे इंटरनेशनल महात्मा है, ये अपने देश को भी उठा लेंगे और हमारी कमी को भी पूरा कर लेंगे।
पक्के रहो, फिर एक निर्णय लेकर परमात्मा आपको शक्ति दे, भक्ति का निर्णय नहीं बदलना और इसके साथ कोई और निर्णय नहीं रखना। भक्ति नहीं, भक्ति भी तो इसलिए लेंगे ना, जैसे तुम नहीं चाहती कि मेरा पति कहीं और प्यार करे, इसी तरह भक्ति महारानी भी चाहती है कि मेरी पूजा करने वाला कोई और निर्णय ना ले। वो भी यही चाहता है, जैसे तुम चाहते हो मेरी पत्नी कुछ और किसी की तरफ पति रूप में ना देखे। तो भक्ति क्या है? स्त्रीलिंग, इट इज फेमिनिन नॉट मैस्कुलिन। हाँ, तो ये भी तो चाहती है कि मेरा पुजारी एक ही निर्णय ले, अनेक निर्णय ना ले। अगर आप इसी जन्म में अपना कल्याण करना चाहते हैं तो भक्ति के संग दोष से बच जाओ। कल मेरे प्रभु ने चाहा तो मैं मन का संग दोष लूंगा, अगर मेरे मालिक की इच्छा हुई शरीर ठीक रहा तो कल हम नीचे उतरेंगे, मन के लेवल पे आएंगे। और मन दोष क्या होता है इस पे निर्भर होगा। फिर प्रभु ने चाहा तो तन दोष क्या होता है, फिर परिवार दोष क्या होता है, फिर अपना संपर्क दोष क्या होता है, फिर साहित्य किताबों का दोष क्या होता है। इसे धीरे करके हम हर रोज एक एक करके लेते जाएंगे और इस संग दोष को विस्तार पूर्वक लेकर अपने अंदर निरीक्षण करेंगे कि हाय मैं कहां गलती कर रहा हूं, और जो जहां से भूल हो रही होगी आप उसका फौरन सुधार कर लेंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्याला, हे मेरा हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे शांति 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 ओम प्रभो। इस तरह भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफर करना इस देव हार्दिक धन्यवाद।